कोरोना वायरस से जुड़ी कई तरह की गलतफहमियां दुनिया भर में तेजी से फैल रही हैं, जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और द जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की कुछ स्टडीज और रिसर्च से कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो इस वक्त सभी को पता होनी चाहिए। इन्हीं रिसर्च और स्टडी के आधार पर इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ मिथ और उनके फैक्ट्स। पहला मिथ, मास्क कोरोना से बचा सकता है। फैक्ट, कोई भी सर्जिकल मास्क इस तरह डिजाइन नहीं किया गया है कि वह वायरल पार्टिकल्स को ब्लॉक कर सके, लेकिन यह इन्फेक्टेड व्यक्ति द्वारा वायरस फैलने से रोकने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह छींकने के दौरान निकलने वाली बूंदों को, जिनमें वायरस होते हैं, उन्हें फैलने से रोकता है। दूसरा मिथ है, साबुन से हाथ धोने की तुलना में हैंड सैनिटाइजर अधिक प्रभावी है इस बीमारी को रोकने में। फैक्ट, साबुन से हाथ धोने के दौरान ना केवल वायरस मर जाता है बल्कि वह धुल भी जाता है, खास तौर पर जब आपके हाथों पर डस्ट लगी हो तो हैंड सैनिटाइजर की जगह साबुन का उपयोग ही बेहतर होता है। तीसरा मिथ, मच्छर भी हो सकता है कोरोना वायरस फैलने की वजह। फैक्ट, अभी तक ऐसा कोई प्रमाण सामने नहीं आया है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि मच्छर और मक्खी भी कोरोना वायरस के फैलने में जिम्मेदार हो सकते हैं। चौथा मिथ, विटामिन सी लेने से कोरोना नहीं होता। फैक्ट, विटामिन सी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और वायरस किल करने में हमारी इम्यून सिस्टम की मदद करता है, लेकिन एक्सपर्ट्स को ऐसा कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है कि विटामिन सी लेने से व्यक्ति कोविड-19 इन्फेक्शन से पीड़ित नहीं होता। यही बात ग्रीन टी और जिंक पर भी लागू होती है। पांचवा मिथ, नॉनवेज खाने से कोरोना हो सकता है। फैक्ट, इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि फिश, चिकन या अंडे खाने से कोरोना हो सकता है, हालांकि इन चीजों से हमारे शरीर को प्रोटीन की प्राप्ति होती है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।